पूर्व सीएम मायावती जब तक चुनावी मैदान में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी तब तक मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही मायावती सक्रिय हुई तो विरोधियों में बेचैनी बढ़ गई। लेकिन अब गोरखपुर में पहुंची बसपा सुप्रीमो ने सीएम योगी की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हाथी से डरते हैं सीएम योगी, ये दावा गोरखपुर में मायावती ने किया है। सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर को सीएम योगी का गढ़ भी कहा जाता है। विपक्षी दलों ने इस बार सीएम योगी की मजबूत घेराबंदी करने की कोशिश की है ताकि सीएम योगी अपनी ही सीट पर उलझ कर रह जाएं। विपक्षी उन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटे हैं। एक तरफ जहां सपा ने पूर्व बीजेपी नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का भी जरूर सफाया करना है, उनका जरूर सफाया करना है। इसके साथ ही योगी जी को भी यहाँ मठ में इनके अपने परिवार में वापस भेजने का भी काम आप लोगों को जरूर करना। इतना ही नहीं, मायावती ने दावा किया कि हाथी ने सीएम योगी की नींद उड़ा रखी है। और आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा हाथी है तो वो योगी जी की नींद उड़ाए हुए है, तो उनको हर अपनी चुनावी जनसभा में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हाथी का जिक्र करना पड़ता है। मायावती ने यहां सपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राजरा है। मायावती ने यहां चुनावी जनसभा में सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही सभी वर्गों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश करती हुई भी नजर आई। लेकिन अखिलेश यादव के बाद अब मायावती का ये आक्रामक रुख गोरखपुर में बीजेपी और खासकर सीएम योगी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9।